तो देख सकते हैं आप हमारे बीच में झुमरा किंग करण महतो जी हैं। तो इतना तामझाम लेकर आप कहाँ चल दिए आज? दादा सबके खतियानी जोहार, जय झारखंड प्रणाम। आज पूरी तरह से धर्मराज के कोयलांचल विनोद बाबू के धरती से निकल के रांची के मोराबादी हृदय गीतांजलि हॉल में जा रहे हैं और दादा पूरे अपने भाइयों के साथ, समर्थकों के साथ, अपने मामा, छोटे भाई और हम लोग के गार्जियन स्वरूप गोपाल बाबू हैं, संतु दाई सबके साथ हम लोग सुदेश बाबू को, विचारधारा को विश्वास और आस्था रखते हुए आज तो पार्टी को ज्वाइन करने। जनता सवाल कर रहे हैं किस विचारधारा को लेकर सुदेश महतो के साथ आप ज्वाइन कर रहे हैं? देखिए जनता से हम सवाल तो आज तक हमारे से नहीं कर लिया, तोरे सवाल कमेंट हम उसको यही बोलेंगे कि 2000 में जब झारखंड राज्य अलग हुआ और अगर कोई नौजवानों को अंगुली पकड़ के राजनीतिक में लाने का काम किया तो सुदेश बाबू थे। अगर महिलाओं को कोई घर की चौखट से, आंगन से बाहर निकाल के अगर सक्रिय राजनीति या सामाजिक जीवन में लाने का अगर कोई काम किया वो सुदेश बाबू है। अगर झारखंड राज्य में महिला को 50% पंचायती राज में अधिकार देने का अगर कोई काम किया तो सुदेश बाबू है। काम इनके इतने अनेक हैं, नाम बहुत लेना ही है। झुमरा किंग करण महतो जब डुंगरी उपचुनाव हो रहा था उस समय सुदेश महतो के विरोध में थे और अभी समर्थन में आके पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, क्यों? हाँ सवाल बड़ा अच्छा है, तो इसमें हम एक्चुअली बता दे रहे हैं कि हमने जगन्नाथ दा को सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए समर्थन दिया था और हम भरे मंच में बोले थे, सीएम के मंच में भी, हम जगन्नाथ दा को समर्थन दे रहे हैं, हम जेएमएम नहीं ज्वाइन कर रहे। उसके बाद अभी लोकसभा में हम आशु दा को समर्थन दिए थे, क्यों? क्योंकि हम ढोलू दा बोले थे बीजेपी को कि दादा, ढोलू दा बोले थे कि तू हमारा समर्थन दे, बीजेपी नहीं दे। तो कहीं ना कहीं मैं एक झारखंडी बेटा होने के नाते अगर मेरे से, अगर मेरे साथ देने तो कोई झारखंडी बेटा या माँ की भला हो जाती है तो करण महतो पीछे नहीं हटेगा। लेकिन समिति में 2 साल संघर्ष करने के बाद पहली बार पार्टी ज्वाइन करने जा रहे हैं और विश्वास के साथ बता रहे हैं कि एक कार्यकर्ता बन के सुदेश दा का विचारधारा को हर गली, हर कस्बा, हर टोला, हर गांव और हर झारखंड के नौजवान के दिल में पहुंचाने का काम करेंगे। यही उद्देश्य लेके आज झुमरा किंग करण महतो 3 महीना से अंडरग्राउंड थे, अचानक जब निकले तो एकदम भूकंप की तरह से निकले और चारों तरफ खलबली मचा दी, एनएच में जाम कर दिया। देखिए दादा एक चीज हम बता दे रहे हैं, गायब कुछ नहीं होता है, मेरा कहना है ना, एक चीज स्पष्ट बता दे रहे हैं, 5 साल राहुल गांधी कहीं नहीं दिखा, लोकसभा में आए तो क्या बोलिएगा, गायब हो गया था? नहीं। एक चीज स्पष्ट तौर पे जान लीजिए कि हम लोग अपने लोगों के साथ, अपने दादा, साथी, मामा, भाई, बहन सबके साथ एक विचार कर रहे थे। इस आंदोलन के बाद सब कोई निकल के, सब कोई अपनी कहीं ना कहीं राजनीतिक प्लेटफॉर्म की तलाश में था, तो कहीं ना कहीं अगर सब तलाश कर सकता है तो मेरा भी अधिकार है 13 केस खा के 2 साल संघर्ष करके। तो हम लोगों ने भी विचार किया अपने तमाम लोगों से, तो सब ने एक स्वर, एक राय से कहा कि अगर झारखंड में कोई झारखंड की मजबूतीकरण और झारखंड को बेहतर उज्ज्वल भविष्य की ओर ले जाता है तो सुदेश दा, तो हम लोगों ने सुदेश दा का दामन थामने का काम किया। करण महतो भी आंदोलन का उपज है, जयराम महतो भी आंदोलन का उपज है, वो आपके विचारधारा के विपरीत अन्य पार्टी में है और विधानसभा में आपको काउंटर करेंगे, जवाब देने के लिए तैयार है? देखिए दादा काउंटर कौन करता है ये देखा जाएगा, मेरा कहना है सब भाई, देखिए मेरा एक चीज स्पष्ट है, हम किसी पे कॉमेंट नहीं करते, ये इतिहास है मेरा कि हम कभी किसी पे टिप्पा टिप्पणी नहीं करते। हम चाहते हैं जितने झारखंडी भाई है सबका भविष्य उज्ज्वल हो, सबको अपने जीवन में बेहतर करे, हम सबका शुभना, सबके लिए शुभकामना करते हैं। लेकिन एगो बात हो भाई थोड़ा, हम अच्छा दादा आपसे एक लास्ट सवाल है, क्या आंसू का दामन थामना आपके लिए सही निर्णय हो सकता है? देखिए दादा एक चीज हम बता दे रहे हैं कि हम कोई निर्णय लेके उसको सही या गलत करते हैं, पहले कोई सही या गलत निर्णय नहीं होता, क्योंकि एक चीज हम बता दे रहे हैं स्पष्ट तौर पे कि हमको पूरा विश्वास है कि हम लोग जो झारखंड में सरकार चली है नौजवान के खिलाफ में, ना मजदूरी, बेरोजगारी भत्ता या एक भी नियोजन बताया आज तक सही तरीके से नहीं कर पाया, तो हमको विश्वास है कि एनडीए गठबंधन को झारखंड में ला के झारखंड का भला करने का काम करेंगे और नौजवानों को सही मार्ग देने का काम करेंगे। इसी उद्देश्य से हम लोग आशु पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं और हमको पूरा विश्वास है कि आने वाला समय हर घर आशु, तय आशु और हम लोग गठबंधन धर्म में जितनी सीट पाएंगे जीत के गठबंधन को मजबूत करने का काम करेंगे। दादा बहुत कोई आपको पलटू राम भी बोल रहा है, क्या कहना चाहिएंगे? नीतीश कुमार को भी बोलता है लेकिन ओकरे साइन से बिहार चला है, तो एक बात हम आपको बता दे रहा, मोदी जी को दिन भर लोग तरह तरह के बात बोलते हैं लेकिन देश के प्रधानमंत्री हो, एक बात आज हम तुमको बता देने का काम करेंगे मनोज बाबू, चर्चा उसी का होता है जो कोई होता है, गाँव के लोग के खाटी बैठो कर कोई चर्चा नहीं, अगर हमारे चर्चा कोई अपन 250-300 रिचार्ज करके फेसबुक पर रील छोड़ के अगर कॉमेंट करे खातिर रिचार्ज करा लो तो जान ले कि ओकर से कहीं ना कहीं तोर भाई आगू हो, और विश्वास के साथ कहे हो भैया ये तो टेलर है, अभी पूरा पिक्चर बाकी है और आज के बाद आशु का दामन थामने के बाद पूरा कोयलांचल में हम लोग का गाज पाला तक आशु आशु बोलेगा, विश्वास।